हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि मोबाइल से हम मार्कबुक्स को कैसे ऑपरेट करें। मींस कि हम अपने मोबाइल से ही जो है आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पार्टीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और सेल परचेज़ की एंट्री भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आप मार्कबुक की वेबसाइट पर आएंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। आप अपनी यूज़र आईडी को और पासवर्ड को एंटर करें और यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है मार्कबुक्स में तो साइनअप पे क्लिक करके आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड नज़र आएगा, जैसा कि हमने डेस्कटॉप की वीडियोज़ जो बनाई है उसमें भी हमने आपको बताया हुआ है कम्प्लीटली कि डैशबोर्ड से ही आप अपने बिजनेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है और आपके बिजनेस में आपको काम करने की ज़रूरत कहाँ पर है। तो डैशबोर्ड से ही पता लग जाता है जैसे कि आपकी टोटल सेल कलेक्शन क्या है, टोटल परचेज कलेक्शन क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है और कुछ आपको ग्राफिकल्स फेस में भी देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से फिर आपका कैश फ्लो है, फिर आपका फंड समरी है, आउटस्टैंडिंग है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर होगी पेबल की या रिसीवेबल की, यानी कि जो आपको मार्केट से पैसा लेना होगा। फिर उसके बाद आपका बिजनेस है, यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस है या कितना जीएसटी पेबल है, कैश डिपॉजिट कितना है और कितने आइटम आपके पास अभी ऐड ऑन है, एजेंसी ऐड ऑन है, कस्टमर ऐड ऑन है, तो यहीं से आप देख सकते हैं। स्टॉक की एक्सपायरी देख सकते हैं यदि आपके कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो एक्सपायर्ड होने वाले होंगे। और इसी तरीके से पेंडिंग में आप सेल ऑर्डर, चलान, परचेज ऑर्डर, तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉप मेनू की। जो टॉप मेनू में आप सबसे लास्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका रीसेंट यूजेस है, मतलब कि जो भी आप यूज़ करेंगे उसकी हिस्ट्री आपकी क्रिएट होती रहेगी। और आप यहाँ से भी डायरेक्टली उस ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में यदि आपने मार्ग में कोई अपनी टिकट जनरेट कर रखी है या फिर मार्ग की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन में शो ऑन होता है। उसके बाद है सेटिंग। सेटिंग में आप कोई भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटअप करना चाहें अपने बिजनेस में तो वो सारे के सारे सेटअप, सारे के सारे सेटिंग्स आप यहीं सेटिंग से कर पाएंगे। और क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन का मतलब है कि यदि कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं, जैसे वीडियोस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। और उसके बाद आपका यूज़र आपको शो होने लगता है। यहाँ से आप स्विच करके अदर कंपनी भी ओपन कर सकते हैं और जब आपका वर्क कम्प्लीट हो जाए तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक कॉल चैन दिख रहा है, इसमें क्या है कस्टमर केयर के नंबर हैं, आप डायरेक्टली क्लिक करके कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। उसके बाद आपको दिखता है यहाँ पे मेनू ऑप्शन, ये सभी आपके मेनू हैं जो भी आप काम करेंगे, मास्टर में, सेल में, परचेज में, जितनी भी चीज़ों में आप काम करेंगे ये सभी आपके मेनूज़ हैं। अब हम जो है अपने मेनू के अंदर जाते हैं और एक आइटम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद अपनी पार्टी लिस्ट में जाके एक पार्टी क्रिएट करते हैं, फिर परचेज एक एंटर करेंगे, फिर सेल एंटर करेंगे, उसके बाद फिर हम सारे के सारे रिजल्ट्स को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें कोई भी आइटम क्रिएट करना है तो हम मेनू में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर और उसके बाद आइटम। अब जैसे ही आप आइटम में गए या आपके पहले से जो आइटम क्रिएटेड हैं वो आइटम आपको शो हो रहे हैं। कोई भी आपको नया आइटम क्रिएट करना है तो टॉप साइड में आप देख ही रहे हैं प्लस का शाइन, प्लस में लिखा भी हुआ है क्रिएट। और यदि आप कीबोर्ड से भी ऑपरेट करना चाहें तो F2 की प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आइटम की विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपको आइटम्स की डिटेल्स डालनी है, जैसे आइटम का नाम क्या है, आप पीसेस में बेचते हैं, टैब में बेचते हैं, टैक्स क्या है, तो कुछ इस तरह की डिटेल्स यहाँ पे हमें डालनी है। जैसे कि प्रोडक्ट के नेम में हम प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पैकिंग बता देते हैं। उसके बाद हम यूनिट डाल देंगे। उसके बाद HSN डालेंगे हम और फिर उसके बाद क्या हमारे पे टैक्स लगता है इस आइटम का और कंपनी का नाम डालेंगे। और इसी तरीके से हम MRP, परचेज रेट, सेल रेट, इन सभी को जो है यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद इसको सेव कर देंगे।
तो देख रहे हैं आप कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, यानी कि हमारा आइटम सेव हो चुका है। अब हम बैक आते हैं। अब इसी तरीके से हम एक पार्टी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से मेनू में जाऊंगा, अकाउंट मास्टर और लेजर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पार्टी का नाम डाल देना है। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप चूज़ करना है। अब अकाउंट ग्रुप में क्या आपको डालना है, सपोज़ कि अगर ये आपकी सेल की पार्टी है तो आपको संडी डेटर यूज़ करना है, और अगर आपकी ये परचेज की पार्टी है तो आपको संडी क्रेडिटर यूज़ करना है। अब ये जो पार्टी है मेरी परचेज की है, तो मैं यहाँ संडी क्रेडिटर यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या स्टेशन है, और फिर उसके बाद इसका पिन कोड, मोबाइल नंबर, और अगर इनके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर नहीं है पार्टी का तो आप उसको अनरजिस्टर्ड में छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और आपकी पार्टी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। फिर हम दोबारा से बैक आ जाते हैं। अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आपने समझा कि कैसे हमें आइटम को क्रिएट करना है, कैसे हमें पार्टी को क्रिएट करना है। बहुत इजी स्टेप है और बहुत इजी भी है, और पूरा यूज़र फ्रेंडली है और पूरा मोबाइल फ्रेंडली है। मतलब आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि कोई ऑप्शन आपको मोबाइल में ना दिख रहा हो, या फिर आपको कोई भी दिक्कत इसमें फेस हो रही हो। तो सारी चीज़ें एकदम इजी वे में हैं और सारी की सारी चीज़ें फ्रेंडली है। अब हम जो है परचेज की एक एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से मेनू में जाएंगे और उसके बाद हम परचेज पे क्लिक करके प्लस के बटन पे क्लिक कर देंगे बिल के। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब हमें यहाँ पे एंट्री डेट बतानी है और उसके बाद पार्टी की डिटेल्स बतानी है। अब जैसे कि हमने जो पार्टी अभी क्रिएट की है वो सूरज के नाम से क्रिएट किया है, तो हम देख लेते हैं। देखिए सूरज एंटरप्राइजेस अवेलेबल है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, चूज़ कर लिया हमने इसको। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर डालना है, जो भी इनवॉइस नंबर आपने परचेज किया पार्टी से, और उसके बाद इनवॉइस की डेट बता देनी है यहाँ पे, यानी कि जो भी इनवॉइस आपने अभी पार्टी से परचेज किया है वो कौन सी डेट का है आप यहाँ पर मैंशन कर देंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट में आएंगे, उसके बाद डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी सारी आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी, और फिर जो भी आइटम आपने परचेज किया उस पर आप क्लिक करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे बैच नंबर बताना है। बैच नंबर डालने के बाद आपको एक्सपायरी डालनी है, उसके बाद आपको क्वांटिटी बतानी है। अगर कुछ क्वांटिटी आपको फ्री मिली है तो आप यहाँ फ्री भी बता सकते हैं, और क्या रेट आपका लगा है आप रेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे आइटम को, तीसरे आइटम को, चौथे आइटम को आप डाल सकते हैं, और यदि कोई डिस्काउंट मिला है आपको बिल पे तो बिल पे डिस्काउंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, सेव पे क्लिक करेंगे और ये बिल आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो बिल आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है, और अगर आप देखेंगे अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, और इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। अब हम सेल की एंट्री करना चाहते हैं तो हम ऑप्शन में जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और सेल के प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किस पार्टी को हमें सेल करना है, जैसे कि हम ये यहाँ पे रिटेलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक कैश में ही ज़्यादातर रिटेलिंग होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का नाम, एड्रेस, ऐसे ही डॉक्टर का मोबाइल नंबर और डॉक्टर का नाम यहाँ पर आप मैंशन कर देंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपको डबल क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा आइटम सेल करना है।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसी आइटम को जो है परचेज किया था 40 पीस और दो पीस हमें फ्री मिला था, तो टोटल 42 पीस हो गया और इसका बैच नंबर भी हमने यही डाला था। और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप यहां से स्लाइड करेंगे, फिर दोबारा स्लाइड करेंगे और यहां पे आप बता देंगे कितने पीसेस आप सेल करना चाहते हैं, फिर ऑटोमेटिक एमआरपी अमाउंट शो हो जाएगा। और फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर वही है, लास्ट में सेव का बटन मिलेगा आपको, सेव पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो है प्रिंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं क्लिक करके। इस तरीके से आपका एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसी तरीके से जो है पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया है और क्या रिपोर्ट्स आपके अवेलेबल है। तो यूज़र फ्रेंडली आप इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हम मार्कबुक्स को मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं और कुछ मैंने आपको एंट्रीज भी करके दिखाई, प्रैक्टिकली जान पाए कि मोबाइल में भी ये काम आप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई और उस कमेंट का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।